नमस्कार, राजस्थान सुपर फास्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। अगले आधे घंटे में आपको देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं प्रदेश की कुछ अहम खबरों से। सबसे पहले रुख करेंगे नागौर का। नागौर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आयोजन हुआ। ये बैठक 13 मार्च तक चलेगी। 3 दिनों तक चलने वाली बैठक में कई मुद्दों पर मंथन होगा। इसमें शिक्षा के निजीकरण, सस्ती चिकित्सा सुविधा और समाज से जातीय वैमनस्यता का कलंक दूर करने पर मंथन। माना जा रहा है कि इन सभी मुद्दों पर संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में सहमति मिल सकती है। संघ में 3 विषयों के एजेंडे के प्रस्ताव को अगर सर्वसम्मति से सहमति मिल जाती है तो देश भर में इस दिशा में काम होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलन के साथ की। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में देश भर के 1200 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल। विधानसभा में कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने आज पूर्व सैनिकों और शहीदों का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार ने पूर्व सैनिकों और शहीदों की वीरांगनाओं के लिए जो घोषणाएं की थी वो अब तक पूरी नहीं। इसी पर एक पूरक सवाल विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा ने भी किया। डोटासरा ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने झुंझुनू और सीकर में शहीदों की वीरांगनाओं और आश्रितों के लिए बीते 2 साल में कुछ नहीं किया। सदन में किरोड़ीलाल मीणा ने आज दालों पर स्टॉक लिमिट खत्म किए जाने का मुद्दा उठाया। मीणा ने कहा कि आम लोग महंगाई से त्रस्त हैं और सरकार ने व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दालों से स्टॉक लिमिट हटा लिया है। कांग्रेस विधायक रमेश मीणा ने विधानसभा में राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए चंबल पर पुल बनाए जाने की मांग की। हत्या के मामले में जेल में बंद विधायक बीएल कुशवाहा आज विधानसभा पहुंचे। हाईकोर्ट ने कुशवाहा को 1 दिन के लिए विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की मंजूरी दी थी। राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल मंत्र को अंतिम संस्कार के समय का बताकर विवाद खड़ा करने के बाद अब बजट बहस में घनश्याम तिवाड़ी का नाम काट दिया गया। बजट बहस में घनश्याम तिवाड़ी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बजट बहस में घनश्याम तिवाड़ी का नाम काटे जाने पर सरकारी मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने कहा कि तिवाड़ी राज्यपाल के अभिभाषण में बोल चुके हैं। पीसीसी चीफ सचिन पायलट आज दौसा के दौरे पर रहे। पायलट निहालपुरा में देवनारायण मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे, जहां एआईसीसी सचिव ताराचंद भगोरा, पूर्व मंत्री महेंद्र मालवीय समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गहलोत का फूलमाला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी नेताओं की अनर्गल बयानबाजी के चलते देश में असहिष्णुता और तनाव का माहौल बना हुआ है। इस दौरान गहलोत ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। अशोक गहलोत के उदयपुर पहुंचने पर प्रदेश के वित्तीय हालातों पर चिंता भी जाहिर की। गहलोत ने सरकार को आड़े हाथ लिया और वसुंधरा सरकार को दिवालिया घोषित किया। अशोक गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के पद को लेकर चल रहे घमासान पर भी सफाई दी। गहलोत ने कहा कि पीसीसी की बैठक के बाद इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और मीडिया का एक वर्ग इसे अपने तरीके से पेश कर रहा है। मदरसों पर बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा के बयान ने पकड़ा तूल। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा मदरसों के खिलाफ हो रही है साजिश, धार्मिक भावनाओं को किया जा रहा है आहत। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के नए कुलपति उमाशंकर शर्मा ने आज पदभार ग्रहण किया। इस दौरान जब नए कुलपति पद ग्रहण करने पहुंचे तो वहां पर मौजूद व्याख्याताओं और कर्मचारी यूनियन के नेताओं, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कोटा की आईएल फैक्ट्री को बचाने के लिए कांग्रेस एकजुट होकर सड़कों पर उतरी। सारी कोशिशों के बाद ये साफ है कि फैक्ट्री बंद होने के कगार पर। बीकानेर में पिछले 53 दिनों से शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना दे रहे चयनित शारीरिक शिक्षकों ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। यहां आज अनशन के 9वें दिन भी 13 चयनित शिक्षक भूख हड़ताल पर रहे। धौलपुर जिले के बाड़े उपखंड के सामान्य चिकित्सालय में उस वक्त हंगामा हुआ जब प्रसूता कक्ष में तैनात किसी नर्सिंग स्टाफ ने गर्भवती महिला की अंगूठी ही मांग ली और रुपए भी ले लिए। जेएनयू मुद्दे पर अलवर में तमाम आंदोलन के बाद अब छात्र संघ अध्यक्ष को पकड़ने पर इनाम के आशय वाले पोस्टर्स लगाए गए। इनमें देशद्रोहियों से सावधान रहने की अपील की गई।
करौली में सर्राफा व्यापारियों ने हड़ताल शुरू कर दी, व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध जताया। बांसवाड़ा में सर्राफा एसोसिएशन के 90 व्यापारियों ने शहर के गांधी मूर्ति से कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, व्यापारियों ने जिले के सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए। जोधपुर में नर्सिंग कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया, धरने के बाद नर्सिंग कर्मियों ने जिला कलेक्टर को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में भारतीय किसान संघ के किसानों और प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल फलौदी और बाप में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। भीलवाड़ा कृषि विभाग में किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करवाने की जानकारी देने वाला वीडियो प्रदर्शनी वाहन कर्मचारियों और बजट के अभाव में खड़े खड़े कबाड़। फलौदी का जिला बनाने की कवायद तेज होती जा रही है, लेकिन यहां लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा। वार्ड नंबर 3 के लोग तालाब का पानी पीने को मजबूर। आज तक भी कोटा शहर में सिटी बसें नहीं चल पाई, एक बार फिर उम्मीद जगी है। मुद्दा कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने पर्ची के जरिए विधानसभा में उठाया। इस मामले पर मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि शहर में सिटी बसों को चलाना घाटे का सौदा है, लेकिन जनता के हित और सहूलियत के लिए जल्द ही सिटी बसों का संचालन होगा। भदवासिया और पाल रोड समेत जोधपुर की 7 राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार तैयार, बिग बाजार संचालनकर्ता फ्यूचर कंपनी ने अन्नपूर्णा भंडार में उत्पादों की आपूर्ति की। झालावाड़ में सरकारी शराब के ठेकों के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू, जिले में 9 शहरी दुकानों सहित 135 शराब की दुकानों के लिए आवेदन किए गए। भीलवाड़ा में 285 शराब दुकानों के आवंटन के लिए राजीव गांधी ऑडिटोरियम में लॉटरी की प्रक्रिया शुरू, आवेदकों की उपस्थिति में आवंटन कमेटी के सदस्य समूहवार पर्ची निकालते हुए दुकान का आवंटन शुरू कर चुके हैं। प्रतापगढ़ में चारागाह भूमियों को विकसित कर बहुउपयोगी बनाने की सरकारी मंशा पर पानी फिर चुका है, जिले में अभी तक एक भी विकास समिति का गठन नहीं। गौरतलब है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 170 के तहत चारागाह भूमि के संचालन और विकास के लिए ग्राम स्तर पर 5 सदस्यीय चारागाह भूमि विकास समिति बनाई जानी थी, लेकिन आज तक जिले में एक भी ग्राम पंचायत में यह समिति नहीं बनी। जोधपुर नगर निगम ने सड़क पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की है, शहर के पावटा चौराहे पर सैकड़ों दुकानदारों ने सड़क पर सामान रख अतिक्रमण कर रखा था, इसके चलते निगम के अतिक्रमण दस्ते ने सड़क पर रखा सामान जब्त कर लिया। स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए जयपुर नगर निगम प्रशासन अपना खजाना भरने की तैयारी में, एक तरफ यूटी टैक्स वसूली, दूसरी तरफ अपनी संपत्तियों की नीलामी करने की योजना बनाता हुआ। आपको बता दें कि यूटी टैक्स वसूली और साथ ही दूसरी संपत्तियों की नीलामी की योजना अब बनाई जा रही है। बीकानेर में मौसम ने करवट ली, यहां बरसात के साथ साथ ओले भी गिरे, ओलावृष्टि की वजह से चना सरसों और गेहूं की फसल खराब। चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा में गुरुवार रात एक टेंट गोदाम में लगी आग, हादसे में करोड़ों का माल जलकर राख। 7 दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफल नहीं होने पर एमपी के नीमच और दमकलों की व्यवस्था की गई, जिसके बाद आग पर काबू। सीकर में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, जबकि एक गंभीर घायल ने चौमू के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। झुंझुनू के मंडावा में एक कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 2 लोगों की मौत जबकि 7 लोग घायल। नागौर जिले के टहला के पास राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार की कोशिश का मामला सामने आया, शिकारियों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार को लेकर जब नशीला पदार्थ खिलाया, इसी दौरान जानकारी ग्रामीणों को मिली और ग्रामीणों ने कार्रवाई की, 10 मोरों को कब्जे में लिया। भरतपुर के मेवात इलाके में चल रहे अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने वाले पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ओवरलोडिंग करने वाले 2 दलालों को किया गिरफ्तार। हनुमानगढ़ के एनडीपीसी कोर्ट ने आज एक अहम फैसले के दौरान 2 अलग अलग मामलों में 4 पोस्त तस्करों को 10-10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। जेडीए में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 4 अधिकारियों को एसीबी ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार।
राजसमंद की रहने वाली एक लड़की के परिजन लंबे समय से न्याय के लिए दर दर भटकते हुए, लेकिन अब तक उन्हें हाथ निराशा ही लगी है। दरअसल डॉक्टर ने कहा है कि भावना को दहेज के लिए मारा पीटा जाता था, जिसके चलते उसके सिर में गंभीर चोट आई है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स की गुंडागर्दी के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। ताजा मामला है जोधपुर के एमडीएम अस्पताल का, जहां एक रेजिडेंट डॉक्टर का अमानवीय चेहरा सामने आया। हड्डी वार्ड में भर्ती फ्रैक्चर के मरीज के टूटे पांव को उसने तोड़ दिया और साथ ही उसके साथ मारपीट। शराबी रेजिडेंट ने विरोध करने वाले एक मरीज को भी थप्पड़ रसीद कर दिया। मामला यहीं न रुका, जब एक और मरीज ने इसका विरोध किया तो डॉक्टर्स ने उसे भी थप्पड़ मारा। श्रीगंगानगर के गोविंद विहार और नागौरी कॉलोनी में पुलिस की मिलीभगत से चल रहे अनैतिक कार्यों के चलते यहां के लोग खासे परेशान। जवाहर नगर थाना एरिया में चल रहे अनैतिक कामों की शिकायत। बूंदी के देवपुरा इलाके में नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया। घटना के बाद से गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए आरोपियों की बाइक को आग के हवाले किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता एक शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंची थी, इसी दौरान तीन युवकों ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और फिर अपहरण की कोशिश। भरतपुर के नदवई कस्बे में दहेज की मांग कर रहे दो दुल्हों को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। दहेज मांगे जाने से खफा दोनों दुल्हनों ने न सिर्फ बारात वापस लौटा दी बल्कि शादी से भी इनकार कर दिया। इस घटना के बाद समाज के लोगों ने वर और वधु पक्ष को समझाने की कोशिश की, पंचायत भी हुई लेकिन फिर भी शादी नहीं हो सकी। दौसा एसीबी ने पिछले दिनों बिजली विभाग पर छापे मारे। पहली नजर में जांच के दौरान जो अनियमितता सामने आ रही है उसके बाद घोटाले और भी उजागर होते हुए। शिकायत की जांच पर नए और पुराने ट्रांसफॉर्मर में भौतिक सत्यापन में अनियमितता मिली और रिकॉर्ड में भी कमी। प्रतापगढ़ के जैन मंदिर में हुई मूर्ति और छत्र चोरी का मामला तूल पकड़ता हुआ। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर जिले भर का जैन समुदाय एकजुट। इस मामले को लेकर लोग कई बार एसपी से गुहार लगा चुके हैं लेकिन बदमाश अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। जयपुर के प्रतापनगर में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। मृतक छात्र ज्ञान विहार कॉलेज में पढ़ता था, उसका नाम विट्ठल। अभी तक आत्महत्या के कारण साफ नहीं। उदयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। बड़ी तादाद में विस्फोटक पदार्थ को जब्त किया। दरअसल मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई के दौरान एक ट्रक को रुकवाया और उसकी तलाशी ली गई तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट मिला। पुलिस ने 16 टन विस्फोटक सामान के साथ ट्रक को जब्त किया और ट्रक चालक भी गिरफ्तार। जिला प्रशासन और श्रम और रोजगार विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वृद्ध कौशल और रोजगार उद्यमिता रोजगार सहायता शिविर का आयोजन। इस मेले में 89 कंपनियां नौकरी की सौगातें लेकर बेरोजगारों के पास पहुंची। वेद संस्कृत और वास्तु के पंडित बद्री प्रसाद महर्षि की जयंती पर आज आरए पौदार प्रबंध संस्थान में व्याख्यान माला का आयोजन। कृषि और शुष्क पारिस्थिति अनुसंधान सोसाइटी बीकानेर ने स्थायी विकास के लिए कृषि संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण बहाली विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। कृषि संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के साथ पर्यावरण को किस तरह से सही रखा जाए, इस पर अलग अलग सत्रों में वैज्ञानिक अपने अनुभव साझा करेंगे। डूंगरपुर में वन विभाग की तरफ से वन रक्षक भर्ती के तहत महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हुई। पुलिस लाइन में 28 वन रक्षक पद के लिए तीसरे चरण में 47 में से 41 महिला अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यहां अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई, साथ ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का भी सत्यापन हुआ। डीडवाना और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों को गर्मी से मिली राहत। सुबह सुबह हुई अचानक बारिश से मौसम सुहाना। युवाओं को खादी के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार ने 7 संभाग में 5 करोड़ की लागत से खादी प्लाजा खोलने की तैयारी शुरू की। अपने एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष शंभु दयाल ने इसकी जानकारी दी। इधर सरकार ने खादी को फैशनेबल बनाने के लिए भी योजना तैयार कर ली है, जिन्हें जल्द ही सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। जोधपुर की दो बहनों ने अपने पिता की अंतिम इच्छा का रखा ख्याल। उनके निधन होने पर उनके शरीर को दान कर दिया।
जिसके लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज में आवेदन कर रखा था। व्यास ने अपनी मृत्यु होने पर देहदान करने की इच्छा बताई थी। जापान से जोधपुर घूमने आए एक दल ने आज भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। शहर के पातालेश्वर महादेव मंदिर में एक दर्जन जापानी पर्यटकों ने शिव का अभिषेक कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पंजाब के खड़गपुर से बीएसएफ अकादमी से ट्रेनिंग के बाद घर लौटी बाड़मेर के साथ बेटियों का स्थानीय केसरी विद्यालय में भव्य सम्मान। रुक करेंगे कुछ राष्ट्रीय खबरों का। यमुना किनारे श्री श्री रविशंकर का मेगा शो जारी। झमाझम बारिश के बाद भी 155 देशों से आए लोगों में उत्साह। पीएम मोदी भी शामिल। पाकिस्तान ने दी T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने को हरी झंडी। गृह मंत्रालय ने दिया पूरे टूर में सुरक्षा का भरोसा। आज रात ही रवाना होगी पाकिस्तानी टीम। माल्या के एक महीने बाद ही लौटने के आसार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भी किया 15 दिन में तलब। कांग्रेस ने फिर उठाए सीबीआई पर सवाल। इधर माल्या ने मीडिया पर भी उतारा गुस्सा। कहा उनके खिलाफ ना हो मीडिया ट्रायल। सेना ने डिफ्यूज किया आईईडी बॉम्ब। बड़ी साजिश को किया नाकाम। पंजाब ने सेना ने हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। होशियारपुर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। एटॉमिक पावर स्टेशन में रुका बम। लीकेज की वजह से रोका गया पूरा काम। पीएम के दौरे के पहले पकड़ा गया संदिग्ध। सासाराम कोर्ट के बाहर ब्लास्ट। 3 घायल। उत्तराखंड के 4 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी। कल और परसों हिमस्खलन की आशंका। सुखवा में आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद। 4 घायल। इलाज के दौरान प्रधान आरक्षक रंग रंगवन की मौत। चिली के सैन फेलिपो शहर के जंगलों में लगी आग से हजारों साल पुराने साइप्रस के पेड़ों को काफी नुकसान। स्पेन के मलागा शहर में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को 10 दिन हो गए। सड़कों पर जगह जगह गंदगी का अंबार। थाईलैंड में हाथियों को बचाने के लिए अभियान किया गया शुरू। यहां पोलो घोड़ों पर हाथियों पर खेला जाता है, इसी को लेकर अब ये अभियान। वेनेजुएला में अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट को वापस बुला लिया। अमेरिकी द्वारा वेनेजुएला के कई अधिकारियों पर नए सिरे से कई प्रतिबंध लगाने के बाद नाराज वेनेजुएला ने ये कदम उठाया। पेरिस में जारी फैशन वीक में गुरुवार को फ्रेंच लग्जरी लेवल लुईस ब्यूटन ने अपना कलेक्शन पेश किया है।